अगले कॉलर है यूपी से प्रेमलता तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। मैडम हमको अश्विन साहब से बात करना था। वो हमने 2-3 दिन पहले फोन था, तो डॉक्टर दीपा से बात की थी हमारी, तो उनको हमने बताया थोड़ा वो हमको पेट में बहुत दिक्कत रहती है, होती तो है लेकिन लगता है कि पेट नहीं साफ हुआ है। और मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, मार्च से हमको शुरू हुआ चक्कर आता है, उसमें ऐसे लगता है कि पूरा बेड कमरा सब घूम रहा है, मेरा पूरा शरीर झंझनाते हुए घूम रहा है, जैसे लेते हैं फिर भी लगता है घूम रहा है। कौन सी दवाई खाई थी आपने? कोई दवा हमने नहीं खाया ठीक है, मैं समझ अभी ये शुरुआत है। और मैं समझ गया आपकी बात, और आप मेरी बात समझ लें कि देखिए आपको एक तो सर्वाइकल की शिकायत हो गई। सर्वाइकल कहते हैं एक ऐसे मर्ज को कि हमारे गर्दन के यहाँ पर डिस में नसें दबना शुरू हो जाती हैं, और उसमें किसी को सर दर्द होता है और किसी को चक्कर आते हैं, ये दोनों सर्वाइकल की निशानियाँ हैं। और आदमी बहुत तकलीफ़ में आ जाता है, और मैंने जिनको भी एक्सरसाइज बताई है जो आपको बता रहा हूँ उन सबको फ़ायदा भगवान ने दिया है। तो आप समझ लीजिए मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर दवा भी बताऊँगा आपके पेट के लिए और सब आपके रोग के लिए। सबसे पहले ये सीख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे सीधा बैठें और ये एक्सरसाइज करें। देखिए मोंढे, कान को मोंढे के पास ले जाना, मिला देना, नहीं मिले कोई बात नहीं, आप जितना मिला सकते हैं इतना मिलाइए। ऐसे आपको 4 मिनट रोज़ करना है। कितना? 4 मिनट। एक साथ कोई नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक एक मिनट करके 4 मिनट पूरे दिन में करना है। और इसको पूरी तरह यहाँ तक आ जाती है गर्दन, यहीं लाना है और यहीं देखना है, ऐसे रोकना है थोड़ा, ये भी 4 मिनट, और इससे ज़्यादा करें तो आपका ही फायदा है। ये एक्सरसाइज अभी से आज से शुरू कर दें, ठीक 10-12 दिन बाद आपकी ये चक्कर कहाँ गए आप भी ढूंढते रह जाएंगे, डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। नहीं तो कोई दिमाग का टेस्ट करा देता है, कोई आँखों का टेस्ट करा देता है, कोई कुछ करा देता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, ये बगैर पैसे का इलाज है। 10-15 दिन मेरे कहने से करें, फ़ायदा हो तो मुझे फिर फ़ोन करके बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा पेट का मसला आप खुद एक नुस्खा बना सकते हैं, सौंफ, धनिया, मेथी दाना और सूखा हुआ आंवला 200-200 ग्राम लें, यानी 800 ग्राम ये हो गया। और इसमें एक रसायन आता है कलौंजी का रसायन, जिसे नमक कलौंजी भी कहते हैं, नमक कलौंजी या कलौंजी का रसायन, ये ले लें असली, और 150 ग्राम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले भी ले सकते हैं बाद भी, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, भर के खाइए, और पहले दिन से ही आपको आसानी होने लगेगी और ये ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है।